नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। शुरुआत करेंगे हिमाचल हरियाणा की खबरों के साथ। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां अवैध बजरी से भरे 13 ट्रैक्टर ट्रॉली नेशनल हाईवे 44 पर पड़ने वाले सैया टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार से बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी लाठी डंडों से ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन माफिया रुकते नहीं है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कई बार माफिया और पुलिस आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन अवैध बजरी खनन करने वाले बाज नहीं आते। रात के अंधेरे में ग्रामीण इलाकों से निकलकर सड़कों पर तेज गति से दौड़ते हुए नजर आते हैं। बजरी माफिया अपने साथ अवैध हथियार भी रखते हैं। ये पूरा मामला राजस्थान के धौलपुर का है, जहां आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर बैरियर तोड़कर फरार हो गए। कर्मचारी लाठी डंडों से रोकने का प्रयास करते रह गए, लेकिन आरोपी फरार हो गए, जिसका मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला राजस्थान के धौलपुर का है, जहां बजरी माफिया अवैध हथियार भी अपने पास रखते हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज राज्य सरकार की तरफ से अवैध खनन को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें अवैध बजरी एवं पत्थर दोनों के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन, माइनिंग विभाग और फॉरेस्ट विभाग ज्वाइंट रूप से कार्रवाइयां कर रही हैं। लगभग 40 के करीब FIR हो चुका है और 20 के करीब मशीनरी जो कि माइनिंग में इस्तेमाल होता है उसे भी जब्त किया गया है। इस बार फोकस बड़े माफियों पे था, जिसके कारण 20 मशीनें जब्त की गई हैं, और वैसे लोगों पे हमारा फोकस था जो कि बड़ी मात्रा में अवैध बजरी के तस्करी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको लेकर स्टॉक्स जो करते हैं लोग, बड़े स्टॉक्स उसको लेकर हमारा अभियान रहा, और उसमें काफ़ी ऐसे हमने स्टॉक्स चिन्हित किए और उसको लेकर मुकदमे भी दर्ज करके हमने बजरी माफियाओं को मुकदमों में चिन्हित किया है और उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं। तो कुल मिला के ये अभियान सिर्फ अवैध खनन को रोकने का नहीं था, बल्कि बड़ी कार्रवाइयां करने पे हमारा अच्छा फोकस रहा है और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। अवैध खनन धौलपुर को लेकर के SP साहब के निर्देशन में एक SIT गठित की जा चुकी है। इसमें हम सबसे पहले उन किंगपिंस को पहचान कर रहे हैं जो कि इस तरह के रेता माफिया, अवैध खनन के माफिया हैं। उन पर हम राजपासा की या NSA एक्ट की या इस तरह की कार्रवाई रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा SP साहब के निर्देशन में हर थाने के अंदर कुछ स्टॉक जो स्टॉक्स होते हैं रेता के और इस तरह से, उसमें हमने मुकदमे बनाए हैं। प्रत्येक थाने में किसी में 4, किसी में 5, तो उनमें लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि पेंडिंग है, जिनकी गिरफ्तारी या कुछ लोग गिरफ्तार कर भी लिया गया है। तो अवैध खनन को लेके अभी जिले में काफ़ी सख्त और काफ़ी अच्छी कार्रवाई चल रही है। ऐसी कोई जानकारी अभी UP पुलिस की तरफ से धौलपुर पुलिस को नहीं आई है कि कोई धौलपुर के कोई चिन्हित हो इस तरह से, और नाके को तोड़ा है तो वो कहाँ के थे। अगर वो धौलपुर के होते हैं जिले के, तो हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और वो पुलिस कार्य में सहयोग देंगे। ये अभी एक हफ्ते पहले काफ़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई थी, जिसमें 51 ट्रक सीज किए गए थे और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। संभवतः उस वजह से लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था कहीं और से जाने का, तो इसमें कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम की ट्राली यूज़ करके और एकाएक वहाँ से निकाले हैं टोल प्लाजा से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब उसमें से कुछ पकड़े भी गए आज सुबह, उस पर FIR दर्ज हो रही है। जो उस दिन की घटना थी उस पर भी 307 का FIR पंजीकृत किया जा रहा है, और इसमें से लगभग सारे लोग धौलपुर से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है तो वहाँ से लेकर के आते हैं और बहुत स्पीड में इस तरह का चीज़ें किए हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, धौलपुर पुलिस से भी सहयोग मांगा गया और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करके कि सभी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संगठित तरीके से इस तरह के काम करते हैं। टीम ने ऑलरेडी अंकुश लगाने के लिए, मैंने जैसे बताया कि 51 FIR दर्ज हुए हैं, IPC के अंतर्गत भी दर्ज हुए हैं, और खनन का जो अधिनियम उसमें कंप्लेंट केस वगैरह भी फाइल किए गए। लगातार कार्रवाई चल रही है, इसलिए वीडियोज़ आ रहे हैं, और कुछ समय रहता है जब कार्रवाई तगड़े से होती है तो कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन एक प्लान के तहत ये किया जा रहा है और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल उनकी संपत्ति बिल्कुल चिन्हित किए जा रहे हैं। धौलपुर के लोग हैं ज़्यादातर इसमें, और चिन्हित किए जा रहे हैं, नाम का डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट चिन्हित किए जा रहे हैं। बॉर्डर के हमारे रहने वाले हैं, मैक्सिमम लोग धौलपुर से संबंधित हैं।
खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा का फुटवेयर पार्क एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार के समय में फुटवेयर पार्क में प्लॉट अलॉट किए थे, जिससे जूता उद्योग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्लस्टर की स्थापना भी करवाई। इस मामले में राजीव अरोड़ा ने कहा कि विकास में उद्योग का बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा का जूता उद्योग देश और प्रदेश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहा है। बहादुरगढ़ एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क है। वहीं रोहतक में 500 एकड़ में फुटवेयर पार्क बनने के बाद प्रदेश और जूता उद्योग की और ज्यादा तरक्की होगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोहतक में 500 एकड़ में फुटवेयर पार्क बनाया जाएगा। बहादुरगढ़ एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर बनाया जाएगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पार्क एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। इसका पार्क एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत करते हुए फुटवेयर पार्क में प्लॉट अलॉट किए थे, जिसे लेकर बहादुरगढ़ एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर रोहतक में 500 एकड़ में बनाया जाएगा। देखो अभी तो यार 35 साल की नौकरी के बाद तो महीना ही हुआ है रिटायर हुए, अभी प्लानिंग की नहीं कुछ भी, अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। पुरानी जो बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो लोग कोई ऐसे बुलाते हैं, पहले तो उनके साथ मिलने के लिए जो बहुत दिनों से नहीं मिल पाए वो मिल रहे हैं। पहले देखो ये जो क्लस्टर है बहुत बढ़िया डेवलप किया हुआ है और इसमें जो कॉमन फैसिलिटी भी है इन्होंने ऑलमोस्ट 50-60% तो की हुई है। अब जैसे आज बात हो रही थी कि कुछ और इसमें अब एडिशन करनी है, तो कुछ इनकी तरफ से और कुछ बाकियों की तरफ से एफर्ट होगी। मुझे लगता है हरियाणा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाकी भी जो चीज़ें डेवलप करने में मदद करेगी। देखो खैर 234 करोड़ तो हमारे ऑल ओवर द कंट्री हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले ही एक और फुटवेयर क्लस्टर जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए इनके साथ बात हो चुकी है उनकी, और ये एस्टैब्लिश करेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखिए इतने यूनिट्स वहाँ पर भी आएंगे, तो नेचुरली यही सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां एक शादीशुदा महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी लगाने से पहले महिला ने वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने मामा को भेजा, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले उसे शादी के पहले और शादी के बाद भी तंग किया करते थे। वहीं महिला ने अपने भाई से अपनी मौत के लिए न्याय की मांग की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला हरियाणा के सोनीपत का है, जहां एक शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इसका वीडियो भी ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है महिला का, जिसमें वो उसने अपने मामा को व्हाट्सएप के जरिए ये वीडियो भेजा है, तो वहीं भाई से न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। हंसते चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, सबके साथ रहने वाली लड़की थी मैं। फिर मेरी शादी हो गई। इस शादी ने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया। ये शादी शादी नहीं है, पैसे के लालची इंसान, एक बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए ऐसे लोगों के सामने झुक जाता है जो उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई ने मुझे इतनी मेहनत करके एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनाया था। मैंने अपनी जिंदगी की हर जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई थी, अपने मम्मी पापा के, अपने भाई के कंधे के कंधा मिला के चलने वाले बेटियों में से थी मैं। बहुत अरमान थे मेरी शादी को लेके, मेरे घर वालों को भी बहुत अरमान थे मेरी शादी को लेके, पर ये तो नहीं पता था कि ये अरमान ऐसे टूटेंगे। मेरी शादी अमरजीत छिकारा से हुई, जुआ गाँव में। शादी से पहले भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए,
कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। मेरे घर वालों ने सब कुछ एडजस्ट कर लिया। ये कल एक तनुजा नाम की लड़की है जो 25 साल की थी, उसके शादी जुआ गांव में हुई थी अमर सिंह के साथ में, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके मामले में 304B और 34 का मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, उसके पति अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जल्दी और बाकी की गिरफ्तारी। हाँ, वीडियो सामने आई है और वीडियो में उसने बताया है कि वो अपने ससुराल पक्षवाड़ों पर आरोप लगाए। हाँ, पोस्टमार्टम करवा दिया है और डेड बॉडी। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहाँ सुविधाओं को लेकर जनता सड़क पर उतर चुकी है। इलाके में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गंदगी की वजह से लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव जैसी समस्या देखने को मिलती है। मामले में गुस्साए लोगों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां सड़कों पर जलभराव और गंदगी की वजह से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसी तरह से हमारी अनसुनी की जाएगी तो प्रदर्शन जारी रहेगा। ये पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग लोग प्रदर्शन करते हुए कर रहे हैं। सड़कों पर जनता उतर चुकी है और ऐसे में शिकायत प्रशासन से है कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये प्रदर्शन भैया, जब से सेक्टर 2 और तिरखा कॉलोनी बनी है तब से ये रोड और ना तो दोबारा बनाया गया है और आज तक सरकार ने ना इसकी सुध ली है। इस चक्कर में हमारे सारे साथियों ने इकट्ठा होकर के, माता बहनों सब ने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया है। क्यों? सरकार सोई हुई है, उसको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं इन प्रदर्शनों के माध्यम से। इसकी कई बार हम नगर निगम में भी दे चुके हैं, पुराने वर्तमान पार्षद को भी दे चुके हैं, विधायक को भी लिखवा चुके हैं, हमने सभी जगह जो जो डिपार्टमेंट हैं सबको दे चुके हैं। प्रदर्शन करने का एक ही कारण है, हमारी तिरखा कॉलोनी जब से बनी है ना तो यहाँ के रोड ठीक हैं और ना यहाँ से गंदगी हटती है, जिसकी वजह से लगातार बीमारी चल रही है। बच्चे बीमार हैं, मलेरिया डेंगू से प्रेरित चल रहे हैं और सड़कें इतनी बदहाल हैं कि गाड़ियाँ निकालने में भी दुर्लभ हो रहा है। की शिकायत के लिए हम कई बार पार्षद के पास जा चुके और हमें आश्वासन दिया जाता है खाली कि हाँ करा देंगे, आज तक कराई नहीं गई। और नगर निगम में भी, MCF में भी हम जा चुके और इसके लिए हमने, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए हम। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।